नमस्कार, एसएमजेड न्यूज इंडिया देख रही सब दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरती, आपके साथ शुरुआत करते इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ। अमृतपाल का साथी पपलप्रीत होशियारपुर में गिरफ्तार। दोनों 23 दिन पहले फरार हुए थे, अमृतसर में सरेंडर करने का प्लान बना रहा था। मूसेवाले के पिता बोले, भगवंत मान सबसे कमजोर सीएम, कहा जेल से कैदियों ने वीडियो बनाई तो एफआईआर। लॉरेंस के इंटरव्यू पर चुप्पी साधी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 5880 नए केस, 14 लोगों की हुई मौत। आज से दो दिन की होगी कोरोना मॉक ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया एम्स चज्जर का दौरा। हनीप्रीत को धमकाने वाले की वीडियो सामने आई। आरोपी प्रदीप ने कहा, मुझे पंचकुला हिंसा में फंसाया, बरगाड़ी केस में भी फंसाने की साजिश रची थी। जमशेदपुर में झंडे पर विवाद, हिंसा के बाद इंटरनेट बंद, दो गुटों में पत्थरबाजी और फायरिंग। धारा 144 हुआ लागू, सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। महाराष्ट्र के अकोला से दुखदायी घटना, बारिश से टीन शेड पर गिरा पेड़, 7 लोगों की हुई मौत। धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे लोग। अमृतसर से पहली गुरु कृपा यात्रा ट्रेन हुई रवाना, देश भर में सिख तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाएगी। 7 दिनों का सफर 5100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ट्विटर ने बीबीसी को गवर्नमेंट फंडेड मीडिया का लेबल दिया। ब्रिटिश कंपनी बोली, इसे फौरन हटाओ। मस्क का सवाल, बीबीसी का मतलब क्या है। अमित शाह असम पहुंचे, अरुणाचल के किबिथू में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। चीन बोला, ये हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन। ग्रीस और माल्टा के बीच भटका प्रवासियों का जहाज, इसमें मौजूद 400 लोगों की जान को खतरा, बोट का फ्यूल भी खत्म हुआ। ये थी अब तक की खास 10 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगी और भी नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए SMZ न्यूज़।